hello everyone welcome back to another video so in today's video i'll be sharing with you guys another review of uh, a perfume and this time it will be maria b's gaia perfume so as you guys know that पिछले दिनों मारिया बी का परफ्यूम एक परचेज़ किया था विच इज़ गाया एंड मैंने उनके बाकी परफ्यूम्स रेंज के बारे में एक प्रोडक्ट गाइड प्रोडक्ट सेलेक्शन गाइड की तरह का एक वीडियो बनाई थी और उसमें सारे परफ्यूम्स की नोट्स आ, को डिस्कस किया था उनकी टाइप्स को डिस्कस किया था बेसिकली और इंटरेस्टिंगली इनफ़ इनकी मारिया बी की वेबसाइट परफ्यूम्स की नोट्स जो हैं वो मैंशन नहीं हैं So I think that will be uh, that video will be very helpful for you guys. For anyone who wants to purchase uh, perfumes from Maria B, which one to purchase and which one uh, not to be. So if you haven't checked that video out, uh, do check it out. I'll link it in the I above. अच्छा उस वीडियो में जो मैंने आपको अपना रिव्यू दिया था वो ऑन द बेसिस ऑफ फर्स्ट स्निफ दिया था और लेकिन एक जो परफ्यूम मैंने परचेज़ किया था मारिया बी गाया तो वो मैंने अब यूज़ कर लिया है काफ़ी हद तक तो अब आई विल बी गिविंग यू माय रिव्यू ऑन डिटेल रिव्यू ऑन दिस परफ्यूम कि मुझे क्या नोट्स इसमें लगती हैं और किस टाइप की फ्रेग्रेंस लगती है और मैं आपको बता दूं कि इसमें जो भी नोट्स या जो भी चीज़ें मैं मेंशन में 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 करूंगी दीज आर ऑल माय अंडरस्टैंडिंग बिकॉज नो नोट्स आर मैंशनड ऑन द वेबसाइट सिमिलरली इट्स द केस विद जेलबरी परफ्यूम्स के कोई भी नोट्स मैंशन नहीं है वेबसाइट के ऊपर सो लेट्स मूव ऑन टू द वीडियो बट बिफोर मूविंग ऑन प्लीज़ इट लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड लेट मी नो इन द कॉमेंट्स बिलो वॉट ऑफ वीडियोज़ यू वुड लाइक टू वॉच ऑन दिस चैनल सो एज यू गॉइज कैन सी कि ये हमारा बॉक्स है इसकी जल्दी से इसकी प्लास्टिक रिमूव कर लेते हैं एंड देन लेट्स सी कि एक पैकेजिंग किस तरह की है So, here is how the, uh, the box looks like. It's a green colored box. I think um, you can't see it properly, but it's very um, dark uh, sage green uh, type of uh, green color. And uh, the perfumes uh, and the fragrances are made in Italy. It, it says uh, on the uh, bottom side of the box, it says uh, the fragrance used in this product is of Italian origin. सो इटालियन मेड प्रोडक्ट है और बहुत ही क्यूट लिटिल सा जो है इसका बॉक्स है आई रियली लाइक द प्रेजेंटेशन एंड द पैकेजिंग इट्स रियली कूल एंड रियली एलिगेंट एंड क्लासी एट द सेम टाइम मारियाबी का लोगो भी अच्छा सा बना हुआ है तो आई रियली लाइक द पैकेजिंग सो लेट्स ओपन द बॉक्स एंड सी द बॉटल इज़ लाइक सो लुक एट द बॉटल बॉटल भी बहुत क्यूट है इट लुक्स लाइक सम काइंड ऑफ जार काइंड ऑफ बॉटल बट इट्स एक्चुअली नॉट अ जार इट ऑल् इट हैज़ द स्प्रेर एंड एवरी थिंग वैन आई सॉ दीज बॉटल्स आई थाट कि ये जो है ना वो डैब एंड अप्लाई वाली बॉटल्स होंगी परफ्यूम्स होंगे बट दैन वैन आई गॉट दैम इट हैज़ द स्प्रे सो आई जस्ट रियली थाट कि ये डैब वाली डैब एंड यूज़ वाले काइंड ऑफ परफ्यूम्स होंगे जस्ट लाइक इतर

इन द आउटलेट मुझे ये इतना ज़्यादा स्वीट नहीं लगा था बट जब मैं लिस्ट को लेकर आ गई तो इट इज़ स्वीट ठीक है दैट mm, सेड अब मैं uh, बता दूं कि मुझे आउटलेट पे ये बहुत ज़्यादा फ्लोरल लग रहा था जबकि घर पे लाके मुझे ये और यूज़ करने के बाद मुझे इतना ज़्यादा फ्लोरल नहीं लग रहा ऑल दो इट इज़ फ्लोरल एंड इट इज़ ओनली फ्लोरल इन द टॉप नोट्स ठीक है टॉप नोट्स में आपको इस में से fruits fruits, uh, इसमें से फ्रूट्स मिलेंगे फ्रूट्स उस काइंड के फ्रूट्स नहीं हैं इसमें रिफ्रेशिंग काइंड ऑफ़ फ़्रूट्स नहीं हैं फ्रूट्स हैं डेंस वाले फ्रूट्स स्वीट वाले फ्रूट्स हैं उस टाइप के फ्रूट्स हैं और जो एयरी जो रिफ्रेशिंग और बबली लाइक पाइन एप्पल स्ट्रॉबेरी और जो मैंड्रीन uh, ऑरेंज इस टाइप के जो है ना फ्रूट्स नहीं हैं इसमें ठीक है um, तो इसके अंदर जो फ्रूट्स हैं दे आर लाइक जो मुझे फील होता है इसमें पीच और गावा आई डोंट नो गुआवा की जो स्मेल है वो सबको पता ही है लेकिन uh, वो हमारे यहाँ को इतनी ख़ास अच्छी स्मेल नहीं समझी जाती ऑब्वियसली अमरूद की जो खुशबू है वो किसको ज़्यादा पसंद होगी लेकिन um, is fragrance it's not annoying but i am just uh, kind of relating it to guava i don't know why what is it that makes me think that it's like guava also it is uh, uh, it smells somewhat of pomegranate but not the refreshing kind of pomegranate again it is that uh, dense and uh, sweet kind of pomegranate and um, it also has peach for me आई एम ओनली टॉकििंग अबाउट वट आई मेक आउट ऑफ दिस फ्रेग्रेंस सो जो टॉप नोट्स हैं उसमें थोड़ा सा फ्लोरल आता है एंड देन फ़ौरन से जो है ना फ्लोरल इज़ समवेर इन द बैकग्राउंड ठीक है और फौन से जो है ना फ्रूटी सा फ्लेवर आ जाता है और स्वीट स्वीट सा ठीक है तो स्वीटनेस जो मुझे लगता है टॉप नोट्स में आ रही है वो इन्हीं फ्रूट्स के साथ ही आ रही है लाइक दो स्वीट गुआ स्वीट पीच और स्वीट uh, पामोग्रेट आप अज्यूम कर लें उस टाइप की जो है ना खुशबू है इसकी ओपनिंग में ओपनिंग नोट्स में एंड देन इन द ड्राई डाउन इट बिकम्स वेरी वेरी स्वीट और ड्राई डाउन में ये जो है ना टॉप uh, नोट्स में तो ये फ्रूटी स्वीट है ना क्योंकि उन फ्रूट्स के अंदर से जो स्वीटनेस आ रही है, लेकिन जो uh, ड्राई डाउन है उसके अंदर इट्स लाइक वेरी शुगरी स्वीट अच्छा ड्राई डाउन में एक इंटरेस्टिंग मुझे जो इसको मैं रिलेट करती हूँ इस फ्रेग्रेंस को वो इस तरह से करती हूँ कि आ, अगर आपने कोई आ, हमारे घरों में जो चाय बनती है इट्स लाइक ब्लैक टी जो होती है ना हम ब्लैक टी बनाते हैं और उसको अगर फॉर एग्जांपल वो रख दें और वो काफ़ी देर की हो जाए ठीक है और उसमें हमने चीनी ज़्यादा डाली हो ठीक है तो जो स्वीट स्वीट सी खुशबू होती है ना अलॉन्ग विद दैट मिक्सचर ऑफ द टी और वो जो एक क्योंकि कुछ देर रख दिया होता है तो वो थोड़ी सी से सेचूरेटेड हो जाती है और उसके अंदर जो खुशबू होती है वो एक पूरी आ जाती है ना तो ताज़ी चाय नहीं जो थोड़ी देर रखी हुई एक घंटा अगर आप रख दें चाय को तो उस टाइप की जो ब्लैक टी होती है ब्लैक टी की खुशबू अलॉन्ग विद द शुगर मुझे इस तरह का इफेक्ट आता है इसमें और जो फ्लोरल्स हैं वो तो हैं लेकिन बहुत नॉमिनल फ्लोरल्स हैं अच्छा अगर हम बात करें अच्छा अगर हम बात करें इसकी प्रोजेक्शन की तो प्रोजेक्शन इसकी बहुत ज़्यादा कोई ख़ास नहीं है वजह इसकी ये है कि ये एक थिक और डेंस टाइप की फ्रेगरेंस है ठीक है और स्वीट है तो स्वीटनेस ये एयरी वाली नहीं है लाइक वी वाला जूसी की जो स्वीटनेस है ना उसकी जो प्रोजेक्शन है वेरी गुड प्रोजेक्शन वीवा जूसी की प्रोजेक्शन समझ लें आप हाँ, और कैरोलिना हरेरा गुड गर्ल की आप प्रोजेक्शन समझ लें दे देर प्रोजेक्शन आर वे टू गुड बिकॉज दे हैव मस्क बट आई डोंट थिंक इधर जो है इस फ्रेग्रेंस में कोई ऐसा कॉम्पोनेंट है जो कि इसको मतलब प्रोजेक्ट करने में मदद मतलब दे लाइक देर इज़ नो पचूली आई आई कॉन्ट स्मेल एनी पचुली एंड देर इज़ नो काइंड ऑफ uh musky fragrance and there is no woods i i don't think there are woods i think it's vanilla which is adding up to the sweetness along with the sugary sweetness or maybe some amber is there amber is also not um, kind of very projecting uh note सो ऑल्सो मैंने अभी आपको सिर्फ ये एक्सप्लेन किया था इसकी um, जो नोट्स और फ्रेग्रेंस um, में कि टॉप नोट्स में देर आर फ्रूट्स लाइक पीच लाइक गावा लाइक पामाग्रेट एंड देन इन द मिडल नोट्स इट इज़ स्वीट एंड अलॉन्ग विद द स्वीटनेस देर इज़ सम काइंड ऑफ स्पाइस विच मेक्स इट ग्रीन एंड स्पाइसी टू ठीक है तो टॉप नोट्स में फ्रूट है एंड देन मिडिल नोट में देर आर स्पाइसिस एंड दैन इन द बेस नोट इट इज़ वेरी वेरी स्वीट एंड जब काफ़ी देर गुजर जाएगी इस परफ्यूम को लाइक like चार से छः घंटे उसके बाद जो ये परफ्यूम रह जाएगा ना तो स्वीटनेस के अलावा थोड़ी थोड़ी वुडीनेस भी यू कैन स्मेल ओके बट दैट इज़ नॉट वेरी मच प्रोमिनट अगर आप उसको अपने हाथ को बिल्कुल अपने नोज़ के साथ करके सूंगे तो वो आपको नज़र आ रही होगी जो भी इसकी वुडीनेस uh, है लेकिन आपको मतलब इस तरह से नहीं पता चल रही होगी कि जब आप एक साथ परफ्यूम को स्मेल करेंगे तब नहीं पता चलेगी आप इसको बहुत ज़्यादा अगर आपके पास नोज के पास ले जाके इसको एनालाइज़ करने की कोशिश करेंगे देन यू विल गेट द वर्ड्स इन द वेरी वेरी लास्ट ओके सो प्रोजेक्शन इसकी बहुत ज़्यादा नहीं है ये ज़्यादा क्लोज़र टू स्किन रहता है लेकिन जो इसकी लास्टिंग पावर है इट इज़ अमेजिंग ठीक है आप इसको सुबह लगाएँ और शाम तक आपके कपड़ों में से इसकी स्मेल आती रहेगी शाम क्या रात तक आपके कपड़ों में से इसकी स्मेल आएगी और जब आप अपने कपड़े हैंग करेंगे तब तक आपको और फिर आप उसको कमरे में जिस कमरे में हैंग होंगे कपड़े उधर आएंगे आप तब भी आपको उधर से भी इसकी स्मेल आएगी तो इसकी जो लास्टिंग पावर है वो अच्छी है ऑल्सो अगर बात करें कि इसको सर्दियों के लिए बेस्ट है या गर्मियों के लिए तो आई थिंक इट्स नॉट फॉर समर्स एक्सट्रीम समर्स के लिए नहीं है क्योंकि ये बहुत डेंस है और बहुत क्लिंगी है तो वैसे कैजुअल यूज़ के लिए है स्प्रिंग ऑटम और विंटर सीजनस के लिए बट नॉट फॉर एक्सट्रीम समर्स लाइक आजकल का जो मौसम है तो आजकल ये नहीं चल सकता क्योंकि इट्स वेरी क्लोइंग एंड वेरी स्वीट तो इतना और रिफ़्रेशिंग वाले फ्रूट्स नहीं हैं तो इसलिए ये समर फ्रेग्रेंस नहीं है सो आई थिंक मैंने अच्छी तरह एक्सप्लेन किया है और आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी आई होप यू लाइक टिट इफ यू डिट प्लीज इट लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड लेट मी नो इन द कामेंट्स बिलो वट काइंड ऑफ वीडियोज़ यू वुड लाइक टू वॉच ऑन दिस चैनल एंड आई होप कि आपको ये वीडियो आई होप कि आई एम सक्सेसफुल इन एक्सप्लेनिंग दिस परफ्यूम टू यू गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग